हेलो फ्रेंड्स, एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ मैं। तो लेके आई हूँ मैं सौंफ के लड्डू। गर्मियों में तासीर ठंडी होती है, तो सौंफ के लड्डू आपको ज़रूर खाने चाहिए। तो ये ले लिया है मैंने घी। घी में हम आटा डाल देंगे, जितनी आप सौंफ ले रहे हो उतना ही आटा ले लेना, नहीं तो फिर थोड़ा कड़वापन आ जाता है। तो मैंने ये आटा भून लिया है। जब तक आटा अच्छे से भून रहा है तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ड्राई फ्रूट मैंने ये देखो ऐसे तोड़ के भी ले सकते हो। काजू मैंने एक बार मिक्सी में चला लिया है, काजू और किशमिश ली है। आप जो मन चाहे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। आटा भून के रेडी हो गया है। सौंफ को धूप में सुखा के पीस के सौंफ को उसको छान लेंगे, अच्छे से पाउडर बना लेंगे। आटा भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। फिर इसमें पीसा हुआ ये सौंफ का पाउडर डाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें चीनी डाल के लड्डू तैयार है। लड्डू बना के स्टोर कर लेंगे, आप कभी भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है।